नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में छोटी सी टर्म अफॉरेस्टेशन के बारे में बात करेंगे। देखिए, अफॉरेस्टेशन और रीफॉरेस्टेशन, इसमें भी बहुत डिफरेंस होता है। बहुत सारे लोग जो है, बच्चे जो है, इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। अफॉरेस्टेशन की सबसे पहले डेफिनेशन समझेंगे तो आपको रीफॉरेस्टेशन भी समझ में आएगा। देखिए, अफॉरेस्टेशन का मीनिंग क्या होता है? अफॉरेस्टेशन इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेस्ट। तो हम क्या कर रहे हैं? फॉरेस्ट का एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं, यानी फॉरेस्ट निर्माण कर रहे हैं, फॉरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं। पर किस लैंड पे, वो भी देखिए। फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज इन एन एरिया वेयर देयर वॉज नो प्रीवियस ट्री, यानी एक ऐसी जगह, बैरन लैंड, जहाँ पे पहले कोई झाड़ नहीं थे, पेड़ नहीं थे, जंगल नहीं था, एक ऐसी बैरन लैंड थी, बंजर जमीन थी। यानी प्रीवियसली, देखिए ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, देयर वॉज नो प्रीवियस ट्री, यानी इससे पहले वहाँ पे कुछ भी नहीं था, यानी पेड़ वगैरह या कोई फॉरेस्ट वगैरह नहीं था। अगर मान के चलो कि वहाँ पे कोई फॉरेस्ट है पहले, और जंगल में आग लग गई या सूखा गिर गया, और उसकी वजह से वो फॉरेस्ट जो है वो पूरा ख़त्म हो गया, और उसके बाद फिर से हम वहाँ पे जो है वो फॉरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो उसको रीफॉरेस्टेशन बोला जाएगा। क्लियर हो गया? यानी पहले फॉरेस्ट था या फिर बहुत सारे पेड़ थे, वो किसी कारण से वहाँ से नष्ट हो गए या फिर डिफॉरेस्टेशन हो गया, और हम वहाँ पे फिर से फॉरेस्ट बसा रहे हैं, फिर से फॉरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको रीफॉरेस्टेशन बोला जाएगा। पर अफॉरेस्टेशन यानी ऐसी ज़मीन, बैरन लैंड, कि जहाँ पे वॉज नो प्रीवियस ट्री, यानी पहले वहाँ पे कुछ भी नहीं था, एक बैरन लैंड थी, और वहाँ पे अगर हम एक फॉरेस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको बोला जाता है अफॉरेस्टेशन। अब इसके फायदे की अगर बात करें तो देखिए, कोई ज़मीन है वहाँ पे प्लांट ही नहीं है, तो वहाँ पे पानी का सुकाल रहेगा, कोई बर्ड्स, कोई एनिमल वहाँ पे नहीं आएंगे, कोई इकोसिस्टम वहाँ पे ग्रो नहीं होगी। पर जैसे हम वहाँ पे अगर इसके लिए, देखिए सबसे पहले तो हमें कम्युनिटी में काम करना पड़ता है अफॉरेस्टेशन के लिए। अब आपने वन महोत्सव देखा होगा, तो बहुत सारी जगह पे लोग मिलजुल के, बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम, बहुत सारे एनजीओज मिल के जो है वो काम करते हैं, और बहुत सारा फॉरेस्ट जो है वो ग्रो करते हैं। तो इससे होता क्या है? तो ये तो हो गया एक चीज़ कि हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो सॉइल की सबसे पहले हमें फर्टिलिटी थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, ऐसे फॉरेस्ट तो पानी की जो है वो सुविधा वहाँ पे करनी होगी, कि ताकि अच्छी तरीके से फॉरेस्ट जो है वहाँ पे ग्रो हो जाए। वहाँ पे अगर फॉरेस्ट ग्रो हो जाता है तो पानी की दिक्कत सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि फॉरेस्ट ग्रो होगा तो पानी भी आएगा, ज़मीन जो है वो पानी को होल्ड भी कर पाएगी, तो पानी की समस्या दूर हो जाएगी। सॉइल का जो इरोजन होता है, देखिए प्लांट नहीं रहेंगे तो सॉइल का इरोजन होता है, तो वो भी रुक जाएगा, और उसी के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। यानी वहाँ पे एक बर्ड्स आना शुरू हो जाएंगे, अलग अलग प्रकार के प्राणी आना शुरू हो जाएंगे, तो एक अच्छी, एक हेल्दी जो है वो इकोसिस्टम हो जाएगी। अगर कोई इंसान आजू बाजू में, अगर कोई गांव है, तो वहाँ पर भी अगर फॉरेस्ट ग्रो होता है तो ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी, बहुत सारा ऑक्सीजन वहाँ पर अवेलेबल होगा, लोग वहाँ पर फिजिकल मेंटल हेल्थ भी सुधरने लगेगी, क्योंकि ऑक्सीजन मिलने लगेगा, आजू बाजू अगर हरियाली है तो वैसे फिजिकल और मेंटल हेल्थ भी अच्छी होती है। तो ये कुछ इसके बेनिफिट्स होते हैं, तो जो है इसको बोला जाता है अफॉरेस्टेशन। तो आज की वीडियो में हमने अफॉरेस्टेशन और रीफॉरेस्टेशन में भी क्या डिफरेंस होता है ये भी समझने की कोशिश की। वीडियो हेल्पफुल रहा तो एक ज़रूर लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।